कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं शशि थरूर, कहा जल्द ही इस संबंध में लूंगा फैसला। सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की करेगी जांच, परिवार का एक सदस्य रहेगा मौजूद, आप और केंद्र सरकार आमने सामने। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किल, कई दिग्गज कांग्रेसी आज पार्टी से देंगे इस्तीफा, गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी में होंगे शामिल। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस की टीम आज जांच के लिए जाएगी हिसार, सीएम खट्टर ने की गोवा सरकार से सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड में बढ़ी बीजेपी की मुश्किल, भर्ती घोटालों पर कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग, आज विपक्षी पार्टी करेगी प्रदेश भर में आंदोलन। पंजाब में किसानों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, कहा अगर आज नहीं हुआ गन्ना बकाया भुगतान तो फिर करेंगे प्रदर्शन। झारखंड मामले ने पकड़ा तूल, लड़की की जान जाने के मामले को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज होगा प्रदर्शन। संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है संजय राउत, पात्राचौल मामले में हुई थी सुनवाई। योजना आयोग के पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हासिल थी महारत। उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत से लोग बेहाल, यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात, बेंगलुरु में आज स्कूल बंद। इराक में शिया धर्मगुरु के राजनीति से संन्यास पर बवाल, फायरिंग में 8 लोगों ने गवाई जान, राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट फंड को मंजूरी दी। लाहौर में इंसानियत हुई शर्मसार, अस्पताल में बिल ना देने पर पाक हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का शव देने से किया इनकार। चीन में फिर लौटा कोरोना संकट, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अस्थायी रूप से बंद। पूर्वी लद्दाख के देमचोक में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को रोका, दोनों देशों की सेनाओं ने की बैठक। गौतम अडानी के नाम फिर नया रिकॉर्ड, बने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धन कुबेर, अडानी की नेटवर्थ बढ़कर हुई 137.4 बिलियन डॉलर। ट्विन टावर के मालिक का छल का दर्द, कहा रात भर नहीं सोया, खुद बनवाया और खुद के पैसे तोड़वाया। भारत के लोगों को 5G का इंतजार, स्पीड के मामले में कई देशों से बहुत पीछे है इंडिया, दिवाली तक 5G लॉन्च करेगा रिलायंस। दिल्ली से मुंबई पहुंचे स्पाइस जेट के विमान का टायर हुआ पंक्चर, सुरक्षित हुई लैंडिंग, कंपनी ने विमान में सवार यात्रियों की संख्या नहीं की शेयर। बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करेगा आरबीआई, ग्राहकों की बढ़ेगी सुरक्षा, डाटा बैंक से जालसाज दोबारा धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।